जी, आज आप तनाव से मुक्ति के ऊपर कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। हाँ, ये तो बहुत ही सामान्य विषय है। आजकल सब जगह तनाव ही तनाव है। छोटे बड़े, बूढ़े स्त्री पुरुष, जवान, सभी तनावग्रस्त हैं। इसको हम इंग्लिश में स्ट्रेस भी कहते हैं, टेंशन भी कह सकते हैं। तो कुछ समय पहले तनाव मुक्त जीवन हुआ करता था। किसी चीज की चिंता नहीं होती थी, सब्र और संतोष था, सादा जीवन था और बहुत इच्छाएं नहीं थी। विचार ऊंचे होते थे। इंसान का इंसान जो है वो आदर करता था। अब हर काम में तेजी आ गई है। दौड़ है, सिर्फ अंधी दौड़। अब ये बताने से पूर्व हमें ये कहना बताना चाहिए कि जो तनाव मुक्त व्यक्ति है उसकी पहचान क्या है। तनाव मुक्त व्यक्ति अथवा संतुलित व्यक्ति आत्म रूप से संतुष्ट होता है। अपने आप में उसको संतोष होता है। विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे वे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, समन्वित रहता है, संतुलित रहता है और वो धैर्यवान होता है। परंतु दिन बा दिन ऐसा आदर्श व्यक्ति अथवा संतुलित मन का व्यक्ति लुप्त होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है आधुनिक युग में इंसान की बढ़ती हुई इच्छाएं व स्वार्थ तथा इन्हें पूर्ण करने के लिए किया गया अंधा संघर्ष। इस बढ़ते हुए अंधे संघर्ष का प्रभाव कहलाता है तनाव। तनाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को सरल व प्राकृतिक बनाना होगा। जैसे सादा व सात्विक आहार लें जो सुगमता से पच जाए, जो खाए उसे प्रभु का प्रसाद समझकर खाए। नियमित रूप से खुली हवा में सैर करें तथा प्रकृति का आनंद लें। व्यायाम व योगाभ्यास करें। नित्य जीवन में शरीर श्रम अपनाएं। समय समय पर सरसों के तेल से शरीर पर मालिश करें। और हमें सदा हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे वेदों में आया है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी लोग सुखी रहें, सभी रोग रहित रहें। ये आदर्श वाक्य हमें सदा अपने अंदर जो है प्रज्वलित रखना चाहिए। सबका भला मांगे व सबका भला करें, ऐसी धारणा बनाएं कि हम नहीं बुरे, सॉरी,
हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। क्या कहा मैंने, ये हमें सदा अपने सामने लक्ष्य रखना चाहिए, मन में ध्यान रखना चाहिए, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, तभी हम संतुलित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पशु पक्षियों और पौधों से प्रेम करें, अपने वातावरण में वृक्ष फूल तथा पौधे उगाएं, वर्षा हवा धूप का भरपूर आनंद लें, निस्वार्थ समाज सेवा में समय दें, निष्काम सेवा करें, बीते समय की चिंता न करें, न ही भविष्य के जो है खोखले सपने लें, वर्तमान को अच्छा बिताएं, वर्तमान का आनंद लें, भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। अपनी चादर से अधिक पैर न पसारें, अर्थात अपने सामर्थ्य से अधिक काम न करें, अपनी आय से अधिक खर्च न करें, अपने व्यवसाय को कर्तव्य कर्म व धर्म समझकर निष्काम भाव से करें, अपने काम से द्वेष भाव न रखें और न ही किसी व्यक्ति के प्रति हमें ईर्ष्या या द्वेष का भाव रखना चाहिए। कठिनाइयों में मुस्कुराते रहना चाहिए, इससे मुखमंडल की मांसपेशियों को आराम मिलता है तथा मानसिक शांति की अनुभूति होती है। नींद न आने की अवस्था में उठकर बैठ जाएं तथा लिखना पढ़ना अथवा गाना बजाना, मनोरंजन अथवा शरीर से होने वाला कुछ काम करना शुरू कर दें। सत्संग में समय बिताएं, अच्छी संगत में रहें, वासनाओं से भरे साहित्य तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों से परहेज करें, मानसिक व शारीरिक थकावट महसूस होने पर थोड़ा आराम करें, खुली वायु में घूमें, थोड़ा पानी पिएं, लेटने की आवश्यकता हो तो दो चार मिनट लेट जाएं, रिलैक्स कर लें, मानसिक व शारीरिक थकावट महसूस होने पर थोड़ा आराम कर लें, प्रातः सायं ओम अक्षर पर ध्यान केंद्रित करें तथा परमात्मा से प्राप्त हुए वरदानों के लिए धन्यवाद करें। इसी तरह सोते समय भी अपनी दिनचर्या पर नजर डालें और कहीं गलती हुई है तो संकल्प करें कि कल से वो नहीं होगी। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर भी प्रभु से यही प्रार्थना करें कि आज का मेरा जो दिन है वो कल से अच्छा बीते, इससे आनंद मिलता है, इसमें संतुष्टि महसूस होती है और संतुष्ट जीवन जो है वही संतुलित जीवन कहलाता है। तो इन मेरे सुझावों पर चलने से अगर शुरू भी कर दें हम, निश्चित रूप से आप सब तनाव मुक्त जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।